बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी लेके आ गई हूँ। टॉपिक एथलेटिक्स से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न सभी ओल्ड क्वेश्चन पेपर में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स में टॉपिक एथलेटिक्स से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एथलेटिक्स टॉपिक वो टॉपिक है जिससे मोर देन 10 क्वेश्चंस एक एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक ही एग्जाम में कम से कम 10 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस भी एथलेटिक्स टॉपिक से पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 142 एंड इट इज आस्किंग कि क्राउच की सेट पोजीशन में हिप लाइन और शोल्डर लाइन को निम्नलिखित तरीके से रखा जाता है। तो देखिए, हिप लाइन और शोल्डर लाइन को किस तरीके से रखा जाता है, क्राउच की सेट पोजीशन में बोला जा रहा है। और सेट पोजीशन में जो स्थिति होती है वो क्या होती है, देखिए कि हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊंची होती है, हिप लाइन शोल्डर लाइन से ऊंची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि टेक ऑफ जंप, डिस्कस थ्रो में ये इवेंट नहीं होता। इसके अलावा देखिए, प्रारंभिक स्विंग यानी प्रिलिमिनरी स्विंग, रोटेशन और रिलीज स्टांस, ये सभी डिस्कस थ्रो से संबंधित है, टेक ऑफ जंप इसमें शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानक ट्रैक में एक कर्व की लंबाई होती है। और दोस्तों पता है आपको कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक में दो स्ट्रेट और दो कर्व होते हैं, तो जो कर्व की लंबाई होती है वो कितनी होती है बताइए आप यहाँ पे, तो कितनी होती है, देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 115.61 मीटर। नेक्स्ट, एथलेटिक्स में हेप्टाथलॉन की तीसरी स्पर्धा कौन सी होती है। तो दोस्तों हेप्टाथलॉन महिलाओं के लिए आयोजित किया जाने वाला एक कंबाइन इवेंट है जिसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कंबाइन रूप से आयोजित किए जाते हैं 2 दिनों में, और टोटल 7 इवेंट इसमें शामिल किए जाते हैं हेप्टाथलॉन में। तो तीसरी स्पर्धा कौन सी होती है, यानी पहले दिन का जो थर्ड इवेंट होता है वो क्या होता है, तो शॉर्ट पुट इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि 100 मीटर की दौड़ में एथलीट को कितने फॉल्स स्टार्ट के अवसर दिए जाते हैं। तो एक भी नहीं, यानी एक भी फॉल्स स्टार्ट मान्य नहीं होता 100 मीटर की दौड़ में एथलीट के लिए। पोल वॉल्ट में किसी एक ऊंचाई पर अधिकतम कितने अवसर एथलीट को असफल रहने पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 3, यानी कि पोल वॉल्ट में किसी एक ऊंचाई पर अधिकतम कितने अवसर एथलीट को असफल रहने पर दिए जाते हैं, तो 3 अवसर दिए जाते हैं एक ही ऊंचाई पर। लंबी कूद स्पर्धा में एथलीट का कॉलिंग टाइम क्या होता है, तो 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है प्रतियोगी को अपने स्थान को ग्रहण कर लेना होता है। लंबी कूद स्पर्धा में एथलीट का कॉलिंग टाइम 1 मिनट होता है। एथलेटिक्स में वायु वेग को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है, देखिए विंड गॉज से एथलेटिक्स में वायु वेग को मापा जाता है। एथलेटिक्स में वायु प्रवाह की गति किस मात्रा से अधिक रहने पर विश्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए 2 मीटर पर सेकेंड, एथलेटिक्स में वायु प्रवाह की स्थिति 2 मीटर प्रति सेकेंड से ज्यादा होने पर अधिक रहने पर विश्व रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता। डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 75 सेंटीमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो में रिटर्निंग लाइन की लंबाई 75 सेंटीमीटर होती है। इनमें से कौन सी शब्दावली ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी फास्ट ब्रेक, फास्ट ब्रेक का संबंध बास्केटबॉल से है और यह ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एक मानक ट्रैक में 200 मीटर दौड़ में स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो बात की जा रही है 200 मीटर ट्रैक की, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, WN-1-0.2π। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये 200 मीटर के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली 200 मीटर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है दोस्तों ये हो जाएगा पाई, क्योंकि 2π जो होता है वो 400 मीटर के लिए होता है। WN-1-0.2π फॉर्मूला होता है 400 मीटर ट्रैक के लिए, अगर मुझे भूल नहीं रहा है तो ये सही है। थोड़ा सा आप इसे चेक कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के।
तो 400 मीटर के लिए होता है 2 पाई, तो जब हम 200 मीटर के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एथलीट श्री राम सिंह ने कौन से ओलंपिक में 800 मीटर दौड़ में 7वां स्थान प्राप्त किया, तो 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा ओलंपिक में राजस्थान के एथलीट श्री राम सिंह ने ओलंपिक में 800 मीटर दौड़ में 7वां स्थान प्राप्त किया। एथलेटिक्स में कौन सी दौड़ ओलंपिक में नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी 1000 मीटर, दौड़ का आयोजन एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट्स में नहीं किया जाता। इसके अलावा 1500 मीटर, 800 मीटर और 400 मीटर दौड़ आयोजित की जाती है। IAAF कॉन्टिनेंटल कप में भारत के अरपिंदर सिंह किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया, IAAF कॉन्टिनेंटल कप में भारत के अरपिंदर सिंह ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया था दोस्तों, तो ट्रिपल जंप यानी त्रिकूद में। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, हिमा दास। विश्व अंडर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी ने जिसने स्वर्ण पदक जीता वो है हिमा दास। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्पर्धा का प्रारंभ स्टार्टिंग ब्लॉक से नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 800 मीटर दौड़ का प्रारंभ जो है वो स्टार्टिंग ब्लॉक से नहीं होता। इसके अलावा 4x100 मीटर रिले रेस, 200 मीटर और 400 मीटर रेस का जो प्रारंभ है वो स्टार्टिंग ब्लॉक से ही होता है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस पहले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन सबको आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो रिवाइज करते रहिए तब तक, सफलता मिल नहीं जाती जब तक। तो पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दौड़ में खिलाड़ी को अयोग्य किया जाता है तो कब अयोग्य किया जाता है। देखिए, गलत स्टार्ट लेने पर दौड़ में खिलाड़ी को अयोग्य किया जाता है। रिले दौड़ 4x400 मीटर में टेक ओवर जोन की मार्किंग किस रंग से होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, नीले रंग से। रिले दौड़ या रिले रेस की बात की जा रही है कि 4x100 मीटर में रेस में टेक ओवर जोन की मार्किंग किस रंग से होती है, तो नीले रंग से की जाती है। 4x100 मीटर रिले दौड़ में टेक ओवर जोन की मार्किंग किस रंग की होती है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे सॉरी रिपीट नहीं हुआ है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में 4x400 मीटर पूछा गया है। 4x400 मीटर में टेक ओवर जोन की मार्किंग नीले रंग से की जाती है और 4x100 मीटर रिले दौड़ में टेक ओवर जोन की मार्किंग किस रंग से की जाती है दोस्तों, तो पीले रंग से की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ओलंपिक में शामिल मिक्स्ड रिले में महिला धावक की संख्या होगी तो क्या होगी बताइए, ओलंपिक में शामिल मिक्स्ड रिले में महिला धावक की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। मिक्स्ड की बात की जा रही है तो 2 मेल और 2 फीमेल होंगे क्योंकि मिक्स्ड रिले की बात की जा रही है। एथलेटिक्स में फोटो फिनिश तकनीक एथलीट की किस स्पर्धा में प्रयोग की जाती है, रिले दौड़ में फोटो फिनिश जो तकनीक होती है वो किस में शामिल की जाती है, तो रिले दौड़ का में शामिल की जाती है। पैदल चाल स्पर्धा में एथलीट को चेतावनी के लिए किस प्रकार का संकेत दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी पीला संकेत। पैदल चाल स्पर्धा में एथलीट को चेतावनी के लिए पीले रंग का संकेत दिया जाता है। डेकाथलॉन में कौन सी स्पर्धा निम्न में से शामिल नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी 1000 मीटर दौड़ का जो है इवेंट ये शामिल नहीं होता है डेकाथलॉन में। आपको पता है कि डेकाथलॉन 2 दिनों में आयोजित होते हैं, पहले दिन 5 और दूसरे दिन 5, और 1000 मीटर दौड़ उसका हिस्सा नहीं है। हिमा दास ने किस स्पर्धा में ग्लोबल वर्ल्ड ट्रैक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो बताइए दोस्तों क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने ग्लोबल वर्ल्ड ट्रैक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेप्टाथलॉन में कौन सी दौड़ स्पर्धा शामिल नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए 100 मीटर दौड़ का आयोजन हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं किया जाता। निम्न में से कौन से स्पर्धा का आयोजन केवल पुरुषों के लिए होता है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी 110 मीटर बाधा दौड़, 50 किलोमीटर पैदल चाल एवं डेकाथलॉन, ये सभी पुरुषों के लिए आयोजित किए जाने वाले इवेंट्स हैं। लंबी दूरी की दौड़ों को प्रारंभ करने का प्रकार निम्न में से कौन सा है, तो स्टैंडिंग स्टार्ट। देखिए जो क्राउच स्टार्ट होती है वो छोटी दूरी के लिए होती है, जिसमें आपको पता है कि बुलेट स्टार्ट, बंच स्टार्ट और
एलोंगेटेड स्टार्ट शामिल किए जाते हैं। ये जो तीन प्रकार दिए हुए हैं, बंच, मीडियम और एलोंगेटेड स्टार्ट, ये स्प्रिंट रेसेस को शुरू करने के तरीके होते हैं। लेकिन पूछा जा रहा है कि लंबी दौड़ की दूरों को प्रारंभ करने का तरीका कौन सा है निम्न में से, तो स्टैंडिंग स्टार्ट होता है। 2021 टोक्यो ओलंपिक में पुरुष वर्ग में एथलेटिक्स में कितनी प्रतियोगिताएं हुई? ऑप्शन नंबर ए 24 स्पर्धाएं पुरुष वर्ग में हुई एथलेटिक्स में। 2021 टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्पर्धा का वर्ग कौन सा होगा या कौन सा था पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी यानी कि 24 पुरुष स्पर्धाएं और 23 महिला स्पर्धाएं और एक युगल स्पर्धा शामिल किए गए थे 2021 टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स में। तो इन जो है स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स में स्पाइक्स में अधिकतम कितनी कील उपयोग किए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर 11। डेकाथलॉन का अंतिम इवेंट क्या होता है, तो 1500 मीटर दौड़। 2000 मीटर स्टिपल चेज में धावक द्वारा पानी छलांग सहित बाधाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो 23। 18 ऑर्डिनरी जंप और 5 वाटर हर्डल्स। एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़ पुरुष स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड कितना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि 9.58 सेकेंड। डेकाथलॉन स्पर्धा के प्रथम दिन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है, तो 400 मीटर दौड़। डायमंड लीग से संबंधित गतिविधि निम्न में से कौन सी है, तो किससे संबंधित है डायमंड लीग, किससे संबंधित गतिविधि है, तो एथलेटिक्स से इसका संबंध है। एथलेटिक्स में स्टैंडर्ड ट्रैक कितने मीटर का होता है, तो 400 मीटर का होता है। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन कब किया गया, तो जुलाई 1912 में जो है अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का गठन किया गया था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मोनाको में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी स्पर्धा प्राचीन ओलंपिक खेलों में सबसे पहले आयोजित की गई थी, तो 190 मीटर दौड़ का आयोजन प्राचीन ओलंपिक खेलों में सबसे पहले किया गया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया, तो 1896 यानी फर्स्ट आधुनिक ओलंपिक से ही एथलेटिक्स को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। एथलेटिक्स की महिला स्पर्धाओं को पहली बार कौन से खेलों में शामिल किया गया, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक से एथलेटिक्स की महिला स्पर्धाओं को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स की कौन सी स्पर्धा का आयोजन महिलाओं के लिए किया गया था, जो कि सर्वप्रथम आयोजन था महिलाओं के लिए, तो उक्त सभी यानी कि 800 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद, इन सभी में 1928 एम्स्टर्डम में जो है महिलाओं के लिए आयोजन किया गया। डेकाथलॉन में कौन सी स्पर्धाएं होती हैं, तो 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट शामिल किए जाते हैं डेकाथलॉन में। फ्रेंड्स, थोड़े से क्वेश्चन और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि एथलेटिक ट्रैक में हरे रंग की मार्किंग का संबंध किस स्पर्धा से है। ऑप्शन नंबर 2 बाधा दौड़ को डेजिग्नेट करने के लिए जो है हरे रंग की मार्किंग का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2019 में राजस्थान से एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया, तो सुंदर सिंह गुर्जर इज करेक्ट आंसर। 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है, तो 10.50 मीटर जो होती है 100 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति लाइन की दूरी होती है 10.50 मीटर इज करेक्ट आंसर। विश्व एथलेटिक्स संस्था को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। निम्न में से केवल पुरुषों के लिए कौन सी बाधा दौड़ होती है, तो 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों के लिए होती है और 100 मीटर बाधा दौड़ महिलाओं के लिए। स्टिपल चेज रेस में बाधा का वजन कितना होता है, तो 100 किलोग्राम। नॉर्मल जो हर्डल्स होती हैं हर्डल रेसेस, तो उनमें बाधा का वजन 10 किलोग्राम होता है, लेकिन स्टिपल चेज रेस में बाधा का वजन 100 किलोग्राम होता है। इनमें से कौन सी दूरी की दौड़ का आयोजन नहीं होता, तो 3600 मीटर की दूरी की दौड़ों का आयोजन नहीं होता। एथलेटिक्स में कौन से रंग के कार्ड का प्रयोग होता है, तो काला कार्ड यानी कि एथलेटिक्स में काले रंग के कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन होगा, ऑप्शन नंबर सी यूजीन संयुक्त राज्य अमेरिका में। ट्रैक में हाफ स्टैगर का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी हाफ स्टैगर का मतलब होता है दोस्तों 200 मीटर के लिए। तो ये आंसर यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि 200 मीटर जो होते हैं ट्रैक, उनमें हाफ स्टैगर दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा स्टैगर निकालने का, तो WN-1-0.10 पाई होगा, जो कि पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है। 2 पाई होता है 400 मीटर के लिए और पाई होता है लास्ट में
हाफ स्टैगर का फॉर्मूला। एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला एथलीट कौन है? तो स्टेफी डिसूजा इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कृष्णा पूनिया। एथलेटिक्स में शरीर के किस भाग के फिनिश लाइन पार करने पर दौड़ समाप्त मानी जाती है? तो टॉर्सो इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की डेकाथलॉन स्पर्धा में पॉइंट देने की सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी 1 to 1000, 1/1000 होती है डेकाथलॉन स्पर्धा में पॉइंट देने की सीमा। तो दोस्तों इस तरह से एथलेटिक्स से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।